तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों। कार्यालय कलेक्टर जिला शहर सीहोर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो क्या प्रक्रिया रहेगी आवेदन करने की, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा, वेतनमान क्या क्या रहेगा और कितने महीने या संविदा या परमानेंट ये वैकेंसी रहेगी, तो ये इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीहोर मध्य प्रदेश स्थानीय निर्वाचन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये दिन 10/5/2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। स्थानीय निर्वाचन कार्यालय डाटा एंट्री ऑपरेटर की पद पूर्ति है तो विज्ञप्ति संविदा पद संविदा है। ठीक है, इसकी 13/3/2023 के परिपालन में जिला स्तरीय निर्वाचन कार्यालय स्थानीय निर्वाचन सीहोर के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु दिनांक 15/5/2023 से लेकर 31/5/2023 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पद का विवरण यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा। पद का विवरण डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा है। पद की संख्या एक है, अनारक्षित है, मतलब ST SC OBC कोई भी भर सकता है, किसी के लिए आरक्षित नहीं है। राज्य शासन द्वारा 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, CPCT कंप्लीट होना चाहिए और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 1/1/2022 के मिनिमम उम्र आपकी 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। 31/5/2023 दिन बुधवार समय 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा की नियुक्ति इसे दिनांक 29/2/2024 तक के लिए अस्थायी रूप से की जाएगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है, मतलब 29/2/2024 तक तो आप परमानेंट रहेंगे, उसके बाद आप उनको आवश्यकता लगी तो वो बढ़ा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। आवेदन निर्वाचित प्रारूप में अंतिम तारीख तक जिला कार्यालय कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी को स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत, या तो आप खुद जाकर आवेदन दे सकते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, पर यह ध्यान रहे कि 5 तारीख से पहले पहले ये चल जाएगा। हाँ, 31 तारीख 31/5/2023 से पहले पहले यह आवेदन आपका पहुंच जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपको बताई दी, कार्यालय कलेक्टर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ पर साइन देख सकते हैं, किस किस को भेजा गया वो भी आप देख सकते हैं कि सचिव मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर से सूचना प्रीति से ये। तो दोस्तों अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो आप जरूर से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको 24/2/29/2024 तक के लिए आपको भेद और आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई अपडेट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन लिया, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, ताकि वहां से भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।